नमस्कार, आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से झारखंड की पतरातू और उत्तरी करुणापुरा में ताप विद्युत परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। केंद्र ने प्रतिवर्ष 20 लाख मीटर टन कच्चा सोयाबीन और सूरजमुखी तेल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी। चालू मौसम में 1 करोड़ टन चीनी के निर्यात की भी अनुमति देने का किया फैसला। बिहार के औरंगाबाद और गया जिले में जहरीली शराब पीने से लोगों की मृत्यु हो गई है, वहीं 11 लोगों की मृत्यु और 15 की हालत गंभीर है। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों की मुठभेड़ में 3 आतंकी मारे गए। समाचार संध्या में अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस पर 2 बड़ी बिजली उत्पाद परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा करेंगे। इनमें 1 रामगढ़ जिले में राज्य सरकार की और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम के संयुक्त प्रयास निर्माणाधीन पतरातू विद्युत उत्पाद निगम और दूसरी चतरा जिले में NTPC के उत्तरीकरण पुरातपात बिजली स्टेशन परियोजना। इस बैठक को देखते हुए ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारी ने सभी तैयारियां कर ली हैं। मुख्यमंत्री ने दोनों परियोजनाओं को देरी के कारण राज्य में ऊर्जा संकट को देखते हुए हाल ही में संबंधित विभागों को आयोजित अधिकारियों को बेहतर समन्वय के साथ काम करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने चीनी की घरेलू उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्यात की सीमा तय करने का फैसला किया है। आज नई दिल्ली में मीडिया को जानकारी देते हुए खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने कहा है कि इस मौसम में भारत से चीनी निर्यात रिकॉर्ड उच्च स्तर पर पहुंच गया है। खाद्य सचिव ने कहा है कि चीनी निर्यात को सीमा तय करने का फैसला चीनी के वैश्विक मांग बढ़ाने की आशंका को मद्देनजर दस्ते हुए की है। श्री पांडे ने कहा है कि सीमा को प्रतिबंध के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। केंद्र ने प्रतिवर्ष 20 लाख टन कच्चा सोयाबीन और सूरजमुखी फूल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दे दी है। वित्त मंत्रालय के अधिसूचना में बताया गया है कि यह व्यवस्था 2 वर्षों के लिए लागू होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज सुबह केरल विधानसभा परिसर में 2 दिवसीय सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। यह कार्यक्रम आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के रूप में आयोजित किया जा रहा है। देश में पहली बार इस तरह का राष्ट्रीय सम्मेलन हो रहा है। केरल विधानसभा द्वारा आयोजित इस सम्मेलन में संविधान और महिलाओं के अधिकार अप्रत्यय कानूनी प्रावधानों और नीति निर्णायक नियमों के महिलाओं के कम प्रतिनिधित्व के मुद्दों पर चर्चा होगी। इसी के साथ ही समाचार संध्या का यह अंक समाप्त हुआ। धन्यवाद।